प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में मेगा एंट्री, नासिक में 1.5 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो किया, पीएम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नासिक में रोड शो के बाद पीएम मोदी की गोदावरी नदी के तट पर बने रामकुंड मंदिर पहुंचने की तस्वीरें आई, जहां उन्होंने रामायण की महाकाव्य कथा सुनी। प्रधानमंत्री मोदी की राम भक्ति, नासिक में काला मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम की पूजा की, मान्यता की है कि भगवान राम ने वनवास का अधिकांश समय यही बिताया। पीएम मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज किया, बोले युवा शक्ति सर्वोपरि, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं पर है। महाराष्ट्र को पीएम मोदी देंगे 30,500 करोड़ की सौगात, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड राष्ट्र को समर्पित करेंगे, सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी ने जारी किया ऑडियो मैसेज, कहा आज से मैं 11 दिन के विशेष अनुष्ठान को शुरू कर रहा हूं, लोगों से आशीर्वाद का आकांक्षी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी करेंगे अनुष्ठान, सूत्रों के हवाले से खबर, 11 दिन तक व्रत रखने का पीएम मोदी ने किया है फैसला। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा कड़ी, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात, 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मुस्तैद। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र बोले कांग्रेस को न्योता देना हमारा कर्तव्य, आना ना आना उनका फैसला, सभी धर्म के लोगों को राम मंदिर में मिलेगी एंट्री। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अयोध्या में धार्मिक नहीं राजनीतिक कार्यक्रम है, शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले 22 जनवरी को भारत में राम राज्य की स्थापना की तारीख, राजनीतिक दलों से निमंत्रण स्वीकार करने की अपील की। रामलला की पूजा पद्धति में बदलाव हुआ, अब नहीं होगी राम और सीता की एक साथ वाली स्तुति, मंदिर में बाल रूप में होने मौजूद रहेंगे राम, पुजारियों को भेजी गई बदलाव की पुस्तिका। अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्साह का माहौल, गुरुवार को एक भक्त ने रामलला को लगाया थप्पल भोग, जन्मभूमि ट्रस्ट ने साझा किया वीडियो। उज्जैन के महाकाल मंदिर से रामलला के लिए भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू, सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भेजे जाएंगे ये लड्डू। पीएम मोदी पर सांसद संजय राउत का तंज, कहा मोदी को देश का सबसे बड़ा शंकराचार्य, हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। 2024 चुनाव में घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस राज्यों में लोगों से संवाद करेगी, न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी गुवाहाटी रांची में बात करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया बीजेपी का इवेंट, कहा किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण नहीं स्वीकारा। जगतगुरु रामभद्राचार्य का ऐलान, पीओके को हासिल करने के लिए कराएं 1008 कुंडली यज्ञ, 14-22 जनवरी तक होगा कार्यक्रम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस को मिला था पापों को सुधारने का मौका, लेकिन उनकी बस छूट गई। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आखिरी दिन आज, अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर आज बड़ी बैठक, कांग्रेस अलायंस कमेटी की समाजवादी पार्टी आपके साथ दूसरे चरण की बातचीत होनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा, सिर्फ 2 सीट छोड़ने की जिद पर अड़ी ममता। सीट बंटवारे पर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद बढ़ा, बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि भेजने से ममता ने ना इनकार किया, कांग्रेस बोली सीट बंटवारे में नहीं आएंगी अड़चने। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, बोले 17 सीट से कम पर जेडीयू समझौता नहीं करेगी, नीतीश कुमार के पास है जनाधार। सीट बंटवारे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा सीट बंटवारा हमारा अंदरूनी मामला है, हम किसी को क्यों बताएं। 2024 चुनाव से पहले गारंटी पर सियासी वॉर, जेडीयू नेता अशोक चौधरी बोले नीतीश जीत की गारंटी है, जिस तरफ रहेंगे जीत उसी की होगी। यूपी में कांग्रेस बीजेपी के विरोधियों को भेजेगी न्याय यात्रा का निमंत्रण, कांग्रेस नेता अभय दुबे ने दी जानकारी।
जेपी नड्डा का राहुल की यात्रा पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कर रही है। 16 जनवरी को जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक, लोकसभा चुनाव के हिसाब से बनाए गए क्लस्टर प्रभारी। नगर निगम भर्ती घोटाले में कोलकाता में ईडी का एक्शन, मंत्री सुजीत बोस, विधायक तपस रॉय के घर पर रेड, उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के घर पर भी छापेमारी। पटना में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो में सीएम नीतीश कुमार की पसंद, दो गाड़ियां सामने आई, सीएम ने सचिवालय और सीएम आवास के लिए 6 गाड़ियों को खरीदने का आदेश दिया। स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती, कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंजाब के एजीटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का सहयोगी कैलाश खिचन गिरफ्तार, यूएसए के हैप्पी पासिया के कहने पर बब्बर खालसा के आतंकियों को देता था हथियार। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग, आज मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में रोहिणी में नकली डिटर्जेंट फैक्ट्री का पुलिस ने छापेमारी करके खुलासा किया, घर में नामी कंपनी के नाम से नकली डिटर्जेंट बनाकर बाजारों में सप्लाई की जा रही है। 22 और 26 जनवरी तक हाई अलर्ट पर दिल्ली, सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, मॉक ड्रिल के जरिए पुख्ता किए जा रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम।